हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल तड़का विद परिधि एंड भरत। तो मम्मी आज हमें एक और डिश सिखाने वाली है, उसका नाम है मुरादाबादी दाल। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये मुरादाबादी दाल और नॉर्मल दाल में मम्मी डिफरेंस क्या है? मुरादाबादी दाल मुरादाबाद की एक फेमस डिश है। अच्छा। उसको दाल चाट भी कहते हैं। जो नॉर्मल दाल हम बनाते हैं वो तो हम चपाती या चावल के साथ खाते हैं, ये दाल हम चाट की तरह खाते हैं। ये चटपटी दाल होती है। मैंने एक बार एक मैरिज में टेस्ट करा था, तो मैंने तभी से अपने मन से फिर बनानी शुरू कर दी। अब ये बहुत बढ़िया चाट हुआ बनती है। अच्छा, तो मम्मी चलो आओ अब हमें सिखाओ। चलो मूंगधुली दाल, पापड़ी, फ्राइड आलू, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया, बटर, नींबू, हरी चटनी, नमक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन की चटनी, चिली फ्लेक्स, काला नमक, अदरक और हींग। ये मूंगफली दाल है। मैंने दो कटोरी दाल ली है और इसको 2 घंटे पहले भिगोया हुआ है। अब हम इसको उबालेंगे। ये हमने 2 कटोरी दाल में 6 कटोरी पानी डाला है। अब हम इसको 4 मिसल आने तक पकाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर सिम पे पकाएंगे। मैं इसके बढ़िया फ्लेवर के लिए 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो, अब इसमें ये मलाई आ गई है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 क्यूब्स बटर डालेंगे। डालेंगे हम मसाले, भुना हुआ जीरा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हरी चटनी। हम इसको मिक्स करेंगे। पापड़ी भी मैंने घर पे बनाई है, आप लोग बाजार से भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़े से फ्राई किए हुए आलू डालेंगे, ऑप्शनल है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक का लच्छा, थोड़ा सा हरा धनिया, तो हमारी मुरादाबादी दाल तैयार है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। बहुत ही स्वाद बनी है मम्मी, मजा आ गया।
इसमें वो जो आपने नींबू छिड़का है उसका तो मजा ही आ गया, इतना बढ़िया टेस्ट है। और जो इसमें लहसुन की चटनी डली है ना, उसमें लहसुन का जो टेस्ट आ रहा है वो तो एक अलग ही स्वाद दे रही है। बाकी चाट वाली दाल तो एकदम बढ़िया लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस के साथ आपके पास आएं। और आगे की आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।